जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अविश रिएक्शन। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है नो वन कैन डिटेक्ट टू इंडिया। तो ये जो वीडियो है ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है जो कि शोएब भाई का है, और इसमें शोएब भाई ने जो पीटीआई कार्यकर्ता है जो इमरान खान के समर्थक है उनसे इंडिया के बारे में बातें की है, इंडिया के बारे में पूछा है। तो ये इसके बारे में जो पीटीआई समर्थक है इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ, मगर वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया इतना बुरा है, इंडिया मुसलमान ईमान भी नहीं है इंडिया वालों के पास, फिर भी इंडिया वाले इतनी तरक्की क्यों कर गए मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मुझे बस ये बात समझा दे, जो बम ब्लास्ट हुआ था आपको, मतलब वो बम ब्लास्ट किसने किया था, मतलब कोई बाद में पता तो खबर तो आई होगी। इसमें सारी इंडिया मुलाविस है, आप देख लें इंडिया ने हमें आके दिखाई हमने उसके कैसे तैयारी तबाह किए। इससे पहले आपको पता है कि इंडिया के साथ हमारी कितनी जंगें हुई हैं अभी तक, तो ईमान पाकिस्तानियों में है तो फिर पाकिस्तानी तरक्की क्यों नहीं कर रहे इस ईमान की वजह से। ठीक है, जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि वो हमसे तकड़ा है, वो हर तरह से हमसे तकड़ा होगा, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान नहीं है, पैसे की बात ये है कि हमारे बीच में बिकने वाले बहुत हैं। ये नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम मैं मौजूद हूं मीनारे पाकिस्तान पे, और मीनारे पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जलसा, बहुत बड़ा एक जलसा मुनक्कद किया गया है। इधर इमरान खान साहब के सपोर्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान जोया, मैं सरगोधा से हूं। उस्मान जोया साहब, अच्छा उस्मान जोया साहब, आपसे पहला सवाल ही मैं ये करता हूँ कि भारत जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है वो हमसे कमज़ोर है या मजबूत है? हमसे कमज़ोर है। कमज़ोर है जी, किस लिहाज से कमज़ोर है? क्योंकि मैं हमारा लीडर सच्चा ईमानदार था इमरान खान। अच्छा, आपने बोला जी भारत हमारे से कमज़ोर है, लेकिन आपके लीडर ने ये कहा है कि जो भारत से पंगा लेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, वो मुल्क बहुत बेवकूफ़ होगा, फिर आपके लीडर इमरान खान साहब ने ये क्यों बोला? खान साहब ने अमन का पैगाम दिया है। अमन का पैगाम, आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? इमरान खान साहब ने जो भारत के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया, आपको लगता है कि वो उसकी स्टेटमेंट में, उनकी स्टेटमेंट में कोई सदाकत है कि जो भारत से पंगा लेगा वो बेवकूफ़ होगा? भाई अभी आपने सवाल किया था भाई से कि भारत हमसे तकड़ा है या हम कमज़ोर हैं या नहीं। भारत हमसे बहुत तकड़ा है, उसकी फौज, उसकी आबादी, लेकिन जो उसका ईमान है ना वो हमारे आगे कुछ नहीं है। उनमें ईमान नहीं है, ज़मीर नहीं है, जज्बा नहीं है। तो ईमान, ज़मीर और जज्बे से क्या होता है? ईमान से जंगे फौजें से नहीं लड़ी जाती, जंगे जज्बे से लड़ी जाती हैं। आपको आप देख लें, अब मुझे नहीं पता आप किस चैनल के हैं, अभी आप देख लें आप के 15 पार्टियां। अरे भाई कौन से जज्बे की बात कर रही है यार, आपका जज्बा हमने चार लड़ाइयों में देख लिया है, क्या हालत हुई है आपकी। और उन्हीं लड़ाइयों में तो यार बांग्लादेश भी अलग हो गया है, फिर भी अभी तक आपका जज्बा चालू ही है। लगता है इंडिया को एक बार और जज्बा निकालना पड़ेगा आपका, और दिखाना पड़ेगा आपका जज्बा क्या है। एक साइड पर है और अकेला खान एक साइड पर, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आपने उसका ईमान है, उसके ईमान है, वो ईमानदार है, वो अल्लाह पर यकीन रखता है। ठीक है, जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि वो हमसे तकड़ा है, वो हर तरह से हमसे तकड़ा होगा, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान नहीं है, तो ईमान पाकिस्तानियों में है तो फिर पाकिस्तानी तरक्की क्यों नहीं कर रहे इस ईमान की वजह से? तरक्की क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तानी, क्या वजह है? क्योंकि इधर जिस तरह उधर मोदी साहब हैं, इधर भी हैं ना, तो उनमें तो साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये तो सब मिले हुए हैं ना ऊपर से। आपके कहना पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? खुशहाली है, खुशी हमें, बिल्कुल खुशहाली, हमें सेहत कार्ड मिले, हमें हर जो इमरान खान दे सकता था इन्होंने 70 सालों में नहीं दिया, इमरान खान ने हमें 3 सालों में दे दिया। मुझे बस एक बात का जवाब दे दें, जो इंडियन सबसे ज्यादा कर्जा भी इमरान खान ने ही दिया भाई आपको। सही बात है आपकी, जो 70 सालों में किसी ने नहीं दिया वो इमरान खान ने दिया, सबसे ज्यादा कर्जा 3 साल में।
प्रश्न है, आपने बोला कि हमारे से ज्यादा तरक्की कर गए हैं, उनके पास ईमान भी नहीं है, फिर वो कैसे तरक्की कर गए? हमारे पास ईमान है, हम तरक्की नहीं कर। आपने पूछा है कि ये वो ज्यादा तकड़े, हम कमजोर हैं, हम 22 करोड़ आबादी हैं, वो कितनी है? वो सवा 100 के भी ऊपर है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जब भी आपने देखा नहीं था कि जब उनके जहाज गिराए गए थे तो आ जाते ना फिर। अच्छा, आपने आबादी की बात की है, इसराइल जो जिसे हम मुल्क ही नहीं तस्लीम करते, इसराइल की आबादी हमारे से बहुत कम है, फिर भी वो दुनिया पे राज कर रहा है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिसकी आबादी हमारे से बहुत कम है, वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ हर बात में ये कह देता है, पाकिस्तानी हर बात में ये कह देते हैं जी हमारे पास ईमान है। नो डाउट ईमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ईमान से ही सारा कुछ होगा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो छोटा सा मुल्क है लेकिन उनके पास पैसा बहुत है। लेकिन पैसे की बात ये है कि हमारे बीच में बिकने वाले बहुत हैं, ये नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, हमारे अपने से ना, हमारे अपने बेजमीर बहुत हैं। अब आप लॉजिक वाली बात पे आए हैं, आपने बोला कि हमारे बीच में बिकने वाले बहुत हैं, मतलब है। हमारा अपना कसूर है इसमें, ईमान का मजबूत होना या ईमान होना ना होना तरक्की के ऊपर बेस नहीं करता। मैं नहीं बिकना भी, जो मेरी बात सुने ना जी, आप बात ये, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि आप 13 पार्टियां बिक गई हैं, ठीक है, मैं गारंटी से कहता हूँ और मेरा ये ईमान है, 13 क्या, ये नून लीग को कोई तकरीबन 40 साल हो गए हैं, एक दफा यहाँ मुनारे पाकिस्तान भर के देखें। अभी जलसा 9 बजे शुरू होना है, 9 बजे शुरू होना है, इमरान खान साहब ने कहा था आपने 9 बजे आना है, अभी आप टाइम देख लें और आवाम देख लें। आवाम देख लें, बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई जान इधर आए, हम बात करें, ये इंडिया से आपको लोग देख रहे हैं, उनके लिए हम पैगाम भेज रहे हैं कि आपके लीडर ने ये बोला है कि इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, इंडिया से कोई पंगा लेगा वो बेवकूफ़ होगा, इस बयानिए में कितनी सदाकत है और क्या वजह है इस बयानिए की? अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो तुमने इंडिया के बारे में बात किया था, मैं खुद सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हूँ, बहुत प्यार से हम आया इमरान खान के लिए आया, अगर उसकी 50 बंदे आर्मी और हम अकेला खड़ा हो जाएंगे तो उसको हम जवाब तोड़ देंगे। क्यों क्यों हम गुलाम नहीं है, लेकिन इन इंपोर्टेड हुकूमत में हम गुलाम है, इमरान खान की हुकूमत में हम गुलाम नहीं है। क्यों? मेरे 2008 में मेरे वालिद साहब में बम ब्लास्ट में मर गया, लेकिन हमने जब घर से निकल गया था, मेरी माँ ने कह रहा था जो मत निकले जाओ तुम भी मर जाएंगे, मैंने कह रहा था जब इमरान खान से हुकूमत आया तो मैं निकलूंगा, अगर मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी जान कुर्बान है, मेरी सारे खानदान कुर्बान है। जो बम ब्लास्ट हुआ था आपको, मतलब वो बम ब्लास्ट किसने किया था, मतलब कोई बाद में पता तो खबर तो आई होगी? ये इसमें सारी इंडिया मुलाविस है, जो हमारा नवाज शरीफ अमरीका में बैठा हुआ है वो भी मुलाविस है। क्यों? उनसे पैसे लेता है, हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कर रहा है, जबकि दहशत इंडिया इतना बुरा है, इंडिया मुसलमान भी नहीं है इंडिया वालों के पास, फिर भी इंडिया वाले इतनी तरक्की क्यों कर गए? मुझे इस बात की समझ नहीं आती, मुझे बस ये बात समझा दे। तरक्की छोड़ दो, हमारे पास ताकत है, हमारे पास कुव्वत है, फौज है, हम तरक्की याफ्ते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारी कौम को पीछे धकेलना चाह रहे हैं, बाहर की साजिश है। हमारा ईमान है, हमारा ये लीडर रह जाएगा, हम बहुत आगे पहुंचे। आप मजमा देख लें, ये जिस दिन से उतारा है इन सब आवाम का जज्बा देखें, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हमें आगे नहीं जाना चाह रहे। आप देख लें, इंडिया ने हमें आके दिखाई हम उसके कैसे तैयार तबाह किए, इससे पहले किसी ने आपको पता है कि इंडिया के साथ हमारी कितनी जंगें हुई हैं अभी तक? वो जंगे 4 से 5 जंगे हुई हैं और उनमें हम कितनी हारे हैं कितनी जीते हैं पता है? देखें उसमें जो हमारे पहले इतनी हमारी आबादी नहीं थी, अब हमें शऊर है, पढ़े लिखे लोग हैं, अब हमारे पास लीडर है, हम सबके साथ बराबरी भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। लीडर अच्छा हो तो तब आवाम खड़ी होती है और कौम और फौज खड़ी होती है। ठीक है, हम तरक्की कैसे? मेरे 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 इमरान खान के लिए एक पैगाम है, जो हुकूमत ये चोरों करप्शनों का खत्म हो जाएगी, फिर भी तुम्हारा 5 साल पूरा हो जाएगी, लेकिन जब फिर भी खत्म हो जाएगी फिर अमरीका में मत जाओ, ये बेगैरत मुल्कों में मत जाओ, ये पाकिस्तान में आ जाओ। मेरी इतना इज्जत है, इंशाल्लाह मैं आपके लिए अपना जमीन बेचूंगा लेकिन तुम्हारा 5 साल का खर्चा मैं तो आपका लीडर भी तो अमेरिका जाता है, आपका लीडर इसराइल उधर जाता है, अपना रशिया में जाता है, इस तरह के ममालिक में जाता है, वो भी गैर मुस्लिम ममालिक है, फिर बायकॉट कर दो सारे ममालिक से, सारे मुल्कों को छोड़ दो, अलहदा ही रियासत बना के बैठो। उनके बारे में बात करूंगा, वो जब जाता है अमरीका इसलिए के लिए नहीं जाता है, कश्मीर की बात के लिए जाता है, उसको कह रहे थे कश्मीर में जुल्म होता है, वो उस मौजूद पाता है कश्मीर में बच्चे परेशान है, बच्चे मर जाएंगे, इन लोगों को क्या पता है? फ्लाइट इधर लेना है, घर इधर बनाते हैं, उसके
साथ 25 फैक्ट्री है, हमारे वजीर आजम का क्या है? बहुत अच्छी बात, आपको बताता चलूं कश्मीर में, जिस कश्मीर की आप बात कर रहे हैं कि उधर जुल्म होता है, उधर जितनी ज्यादा तेजी से तरक्की हो चुकी है उतनी शायद आपके शहर लाहौर में भी नहीं तरक्की हुई। इसके पीछे कौन मुलव्वस है, कौन हुक्मरान मुलव्वस है? बात सुनो, इसके जो पिछले 40 साल हुकूमत किया था ये सारे मुलव्वस है। हमारा इमरान खान वाहिद लीडर है जो मुल्क के लिए कादियाजम के वक्त से इधर से भी आजाद हुआ है और इंशाल्लाह इमरान खान के दौर से भी आजाद हुआ है। और जियो जियो इमरान खान, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अवाम की राय आप लोगों ने जानी, ये पाकिस्तानी अवाम हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, इनकी राय मैंने आपके तक रखी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है बराए मेहरबानी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। पॉजिटिव कमेंट करने से हम लोगों में शऊर आएगा। शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपने देखा होगा इमरान खान के समर्थक बहुत ही एग्रेसिवली बात कर रहे थे इंडिया के बारे में, और वही उनका चुरन जो है वो जज्बा कश्मीर और क्या बोलते हैं वो अभिनंदन वाला वो प्लेन गिराया था, बस हमने प्लेन गिराया हुआ है, उसके सिवा उनके पास में कुछ है नहीं, बस हर बार वही एक राग रहता है उनका, प्लेन गिराया प्लेन गिराया। और जो चार जंगों में भारत ने उनकी धुलाई की है वो तो कभी बोलेंगे नहीं भाई, चार बार धुलाई की हुई है, उसमें तो पाकिस्तान का एक टुकड़ा भी अलग कर दिया है। तो खैर ये तो जो चूरन है इनको इनकी मीडिया और जो उनके लीडर है वो देते हैं, और ये वही बातें करते रहते हैं। तो इस तरह के समर्थक है इमरान खान के, आपने देखा होगा। वैसे तो इमरान खान के बहुत बुरे हालात शुरू है, और उनके जो उनके साथ के टीम में थे तो उसमें मेरे ख्याल से कुछ भाग गए पार्टी छोड़ के, और अब जो कुछ बचे कुछ है उनको भी मेरे ख्याल से फौज भगा देगी, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो उनका मसला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो चलिए चलते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।